नमस्ते स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पे मेनली पांच प्रकार के बीम्स होते हैं, फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कंटिन्यूअस बीम। ओके, अभी हम एक एक बीम को अच्छी तरह से समझेंगे। अभी पहले हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड बीम क्या होती है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी फिक्स बीम जो वो होती है, ये बीच में का जो पोर्शन है, ये जो स्ट्रिप आपको दिख रही है वो बीम है, और साइड में जो ये वॉल्स है वो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये वॉल्स है दो साइड में। आप देख सकते हो कि ये जो बीम है वो इस वॉल के वॉल से फिक्स्ड है दोनों दोनों साइड से। जब भी कोई भी बीम दोनों साइड से वॉल को फिक्स्ड रहती है तो उसे फिक्स्ड बीम कहा जाता है। आप देख सकते हो कि वॉल के अंदर ये बीम गई है दोनों साइड से, इसका मतलब ये फिक्स्ड बीम है, वॉल में फिक्स की हुई है। और उसके ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉइंट लोड अप्लाई किया गया है, इसको फिक्स्ड लोड फिक्स्ड बीम कहा जाता है। आप देख सकते हो कि क्योंकि इसको दोनों साइड से फिक्स्ड किया गया है वॉल के अंदर, इसलिए इसको फिक्स्ड बीम कहा जाता है। अभी दूसरा है यहाँ पे कैंटिलीवर बीम। अभी आप देख सकते हो ये बीम है, यहाँ पे मेरा एरो है वो ब्राउन वाली, और ये जो बीम है वो यहाँ पे एक वॉल से यहाँ पे फिक्स्ड है, एक वॉल में फिक्स्ड है, दोनों साइड से ये बीम फिक्स्ड नहीं है। एक वॉल अभी यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड साइड की जो वॉल है उस वॉल में ये बीम है वो फिक्स्ड है, और राइट हैंड साइड में ये जो वॉल है वो फ्री है, वहाँ पे वो ओवरहैंग है। आप देख सकते हो इसको कहा जाता है कैंटिलीवर बीम, जिसमें जो बीम है वो एक साइड से फिक्स रहती है और दूसरे साइड में ओवरहैंग रहती है। आप देख सकते हो, और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट लोड अप्लाई किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बीच में भी ये लोड अप्लाई हो सकता है। ओके, अभी नेक्स्ट है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये ब्राउन वाली हम लोग की जो बीम है वो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉर्नर में एक वॉल है, दूसरे कॉर्नर पे ये दूसरी वॉल है, मतलब राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में ये आप लोगों को ब्लू कलर में यहाँ पे वॉल दिख रही है। आप देख सकते हो कि ये नीचे वॉल है दोनों साइड में, और उसके ऊपर ये बीम रखी गई है, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है। ओके, ये जो बीम है वो इन दोनों वॉल्स के ऊपर फ्रीली रेस्ट की गई है। इस प्रकार के जो सपोर्ट होता है उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। मतलब दोस्तों, ये वॉल के ऊपर जब भी कोई बीम ऐसे फ्रीली होती है दोनों साइड, ये दोनों साइड के वॉल है और उसके ऊपर ये जो बीम है वो सिंपली ऐसे फ्रीली रखी हुई है, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। इसमें जो बीम है वो फिक्स्ड नहीं होती है, और यहाँ पे भी पॉइंट लोड अप्लाई किया गया है, वो आप बीम पे कहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ओवरहैंगिंग बीम। ये अभी देख सकते हो आप कि ये जो बीम है वो दो वॉल्स के ऊपर रेस्ट है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे वो ओवरहैंग है, मतलब ये वॉल, ये जो बीम है वो वॉल्स के ऊपर फ्रीली रेस्ट की हुई है, और ये एक साइड से, मतलब दोनों साइड में सपोर्ट है बट एक सपोर्ट से वो ओवरहैंग है। सिमिलरली ये जो लेफ्ट हैंड वाला मेरा जो वॉल है वो यहाँ पे भी हो सकता है जहाँ पे मेरा कर्सर है, और दोनों साइड से ये जो बीम है वो ओवरहैंग हो सकती है, मतलब एक साइड से ओवरहैंग रह सकती है कि या फिर दोनों साइड से ओवरहैंग रह सकती है, कोई भी केस हो सकता है। इसे अभी हम यहाँ पे ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड है, बीम्स के ऊपर फ्रीली सपोर्टेड है और एक साइड से ओवरहैंग है। ओके, उसको कहा जाता है ओवरहैंगिंग बीम। इसके ऊपर भी हम लोग लोड यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम। अभी कंटिन्यूअस बीम में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बीम है वो मोर देन टू सपोर्ट्स के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो कि मोर देन टू वॉल्स के ऊपर ये फ्रीली रेस्ट होती है। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे
चार वॉल से या फिर आप कह सकते हो कि सपोर्ट से उसके ऊपर ये जो बीम है वो फ्रीली रेस्ट है। इस टाइप के सपोर्ट को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस बीम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक वॉल है, दो, तीन, चार, इन चार वॉल्स के ऊपर ये जो बीम है वो फ्रीली रेस्ट की गई है और उसके ऊपर भी यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहे हैं। इस प्रकार की जो बीम होती है उसको कंटिन्यूस बीम कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इस वीडियो में टाइप्स ऑफ बीम के बारे में सीख लिया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के चिन्ह के ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।